जी हाँ दोस्तों, अभय वर्मा के हाथ में काफी जबरदस्त मूवी लगती हुई हमको दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बॉलीवुड के अंदर से काफी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन हमको मिलती हुई भी ये भी दिखाई दे रही है कि शाहरुख खान के साथ आपको ये जो है लीड एक्टर के तौर पे आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। क्या है सारी अपडेट, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अभय वर्मा बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो उनको मैं बता दूं कि अभय वर्मा जो कि इनकी फिल्म हाल ही में आई थी मुंजिया, जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफी तूफान मचाया था, एक साउथ की फिल्म होने के बाद भी इतनी जबरदस्त कमाई करके दिखाई थी कि मानो 100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया था एक छोटी सी फिल्म में। साथ ही शाहरुख खान के पिछले साल जो कि काफी जबरदस्त फिल्में निकालने के बाद अब जो कि उनकी कोई भी फिल्मों की अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, लेकिन फिलहाल में हमको काफी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि अब जो है उनकी जो एक मूवी आने वाली है किंग नाम से, उसके अंदर आपको अभय वर्मा के साथ आपको सुहाना खान भी एक लीड एक्टर के तौर पे आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं आपको और बताओ तो ये जो फिल्म है अभी तो फिलहाल में कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन ये तो फाइनल हो चुका है सुहाना खान और अभय वर्मा एक साथ आपको काम करते हुए नजर आएंगे शाहरुख खान की अगली फिल्म के अंदर, जिस फिल्म का किंग नाम बताया जा रहा है। फिलहाल में दोस्तों अभी हमको इस फिल्म से रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाई है क्योंकि कब ये फिल्म रिलीज होगी, इसके स्क्रिप्ट के ऊपर काम हो चुका है इतना तो हमको पता है क्योंकि एक मीडिया सूत्रों के हवाले से ये खबर बाहर आ चुकी है। इस फिल्म के ऊपर बहुत जल्द काम होता हुआ दिखाई देने वाला है। क्या होगी फिल्म की स्टोरी, क्या इसके अंदर एक्टर होने वाले हैं, अभी तो ज्यादा कुछ हमको पता नहीं चला है, लेकिन दोस्तों इतना तो कंफर्म हो चुका है कि अभय वर्मा आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और फिलहाल में जो इनकी पिछली फिल्म थी मुंजिया, जिसने काफी जबरदस्त कमाई करके हमको दिखाया था, एक छोटी सी फिल्म इतना जबरदस्त कमाई करके कैसे दिखा सकती है, वो अभय वर्मा ने अपनी लास्ट फिल्म के अंदर बताया था।